तो हां जी, हमें देखकर चौंक गए क्या कि लड़का इतना जल्दी एक और ब्लॉक कैसे रेडी कर लिया? हाँ जी, सीन्स कुछ ऐसा है कि मुझे कंसिस्टेंसी होना है पहले के जैसा। तो मैं फोन को देख के ऐसे सोच रहा था कि क्या बनाऊँ, फिर अचानक से मैडम का टेक्स्ट आता है कि या तुम फ्री हो। मैंने थोड़ा सोचा, उसके बाद बोल ही दिया कि हाँ फ्री हूँ, और उसके बाद प्लान बन गया। ओ हाँ, प्लान क्या है वो तो बोलना ही भूल गया, बने रहिए पता चल जाए। अच्छा तो हाँ जी, हम जैसे अभी घर से निकले थे, मतलब पूरा कैमरा वैमरा हमारा पूरा सेट करके, बाइक धो हो के अच्छे से साफ ऑफ करके जैसे अभी हम निकले थे, सोचे थे कि थोड़ा घूम के आएंगे, ब्लॉग व्लॉग बनाएंगे अच्छे से, लेकिन बारिश पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। देखो ये बारिश पूरा एकदम हमारा प्लान का माँ की आग कर दिया। अभी वही यहाँ पे रुकते हैं, और अभी टाइम कितना हो रहा है, द टाइम इज़ नाउ 2:06, और देखते हैं कितना देर तक बारिश देता है। उसके बाद बारिश जैसे ख़त्म होता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद समझते हैं आपको, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी जब तक ये बारिश नहीं रुकी तो हम निकल भी नहीं पाएंगे। अपना मैडम जी को भी पिक करना है, जो कि अपना पीछे में एक हेलमेट है उसको भी जाके पिक करना है, उसके बाद मालूम चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, बारिश तो कमती हो गया है और रास्ता में पूरा पानी पानी हो गया, और रास्ता में जब पानी होता है ना, हम बहुत धीरे धीरे चलाते हैं कि पीछे से बटगाट नहीं है, टेल टेडी लगा के रखा है, तो छिटने का चांसेस है। इसलिए हम क्या करेंगे, आराम आराम से हल्लो हल्लो से जाएंगे। और ये पता नहीं कैसा क्या एंगल आ रहा है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है एंगल से सेट नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा एंगल आगे जाके। तो देखो भाई, अगर हम बाइक निकालते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो प्लान होता है, बट प्लान इस बार हमारा नहीं था, प्लान मैडम का था। और मैडम कौन दिखा रहा हूँ, ब्लॉग में बने रही है। चलो मैडम को भी पिक कर लिए, ये पहनो तुम। ये है मैडम, और मैडम को बयां करने के लिए बस एक ही शब्द काफी है, जो कि वेला। वेला क्यों आपको ब्लॉग में मालूम चल जाएगा। अभी यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ेगा, जैसे ही अभी कितना 239 239 हो गया। अभी जैसे ही हम बर्नी पर क्रॉस कर लेंगे, जलालपुर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से तो रास्ता साफ मिलने वाला, मुझे पता है। अभी यहाँ में ना रास्ता ना साफ मिलेगा नहीं, मतलब साफ नहीं, मतलब भीजा भीजा रास्ता में चलाने से क्या होता है, मेरा मटगाट नहीं है पीछे में, आगे का मटगाट ऊँचा करके रखा है, बहुत गंदा उड़ता है एकदम, बहुत उछलता है। मतलब हाँ, विंटर सीजन के लिए मेरा बाइक इज़ परफेक्ट, मगर ठंडा दिन मेरा बाइक गंदा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब इतना गंदा होगा नहीं अपना बाइक, मेरे को मालूम है बहुत अच्छे से। उस टाइम तो अपन स्टाइल मार के घूमेंगे। तो हाँ जी, हम 14 माइल क्रॉस कर लिया, और अभी हम जा रहे हैं, आज जाएंगे चांदमारी, मतलब वहाँ में खाने का एक नया स्टॉल खुला है, वहाँ पे जाएंगे अपन, क्योंकि मैडम ने मुझे ना बहुत पहले एक बार रील शेयर किया था, वहाँ पे एक अच्छा सा वो स्पायरल पोटैटो का कुछ है वहाँ पे, मतलब नया खुला है, तो इसने बोला कि चलो लेट्स ट्राई। तो मैंने चला चलो, फिर आज सोचे कि वहाँ अगर जा ही रहे तो क्यों ना व्लॉग भी बना लेते हैं, और कंटेंट भी निकल जाएगा, और उसका खाने का खाना भी हो जाएगा। ब्लॉगर लाइफ करना पड़ता है ये सब, और कोई उपाय नहीं है भाई, ब्लॉगर लाइफ करना पड़ता है ये सब। और अभी गोप्रो का मेरा ना पूरा लफड़ा पूरा खत्म हो गया, माइक का इशू पूरा खत्म हो गया है, इसलिए आज ना मेरे पूरा एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा है ब्लॉग करने में। पता नहीं, मैंने घर जाने के बाद मालूम चला कि कुछ सपोर्ट नहीं किया, तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए इतना खुश मत हो प्रकाश, जब जब तुम खुश हुए हो तब तब सब कुछ पोपट हुआ है। यहाँ इतना बारिश नहीं दिया होगा, इसलिए हमें रास्ता पर सूखा हुआ है अच्छे से। तो देखो भाई, गुवाहाटी जाने का, खाने का, घूमने का, और फिर वापस घर आने का, सिंपल है राइट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना 8 माइल से, मेरा राइट तरफ में हमेशा पड़ता है गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोर या रक्षा करना, अपना रक्षा करना। मैं जब भी यहाँ से जाता हूँ गणपति जी को नाम दे के जाता हूँ कि बप्पा प्रेजेंट, मैं आ गया। जो भी बोलो यार, आजकल ये जो खाना बड़ा पूछने थे, 8 माइल का रास्ता है ना भाई साहब, वो ज़्यादा ही ख़राब है यार। माना कि बाइक ऑफरोडिंग लेकिन कभी पिछवाड़ा दुख जाता है यार, बैठ बैठ के कि पिलियन है ना, अकेले उड़ते थे, चलो मैं सैडलिंग करके निकल जाऊँगा आराम से, पिलियन होने से कहाँ सैडलिंग कर पाएगा आराम से, तुम्हें भी बैठ बैठ के आराम से निकलना पड़ता है सर, पिछवाड़ा दुख जाता है मेरा पूरा। और अभी से मैं वही सोचा
एवरीथिंग इज कंटेंट फ्रॉम माय वे ऑफ लुकिंग, तो क्यों ना शूट किया जाए सब कुछ, क्योंकि ये जो एवरीथिंग इज अ कंटेंट फ्रॉम माय वे ऑफ लुकिंग ये मेरा यूट्यूब का बायो पे लिखा है। अगर आप लोग मेरा अबाउट सेक्शन में जाके अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये वर्ड्स मैंने कहाँ से लिया है और कहाँ अभी चिपकाया है। ये मेरा अबाउट सेक्शन में है और मैंने यहाँ चिपकाया है आज में, क्योंकि अगर ऐसे ही मैं करते रहूँगा ना एक ब्लॉग डालता हूँ दो हफ्ता गायब, तो भाई ब्रेक मार लो पहले। अगर मैं ऐसे करके शूट करूँगा ना तो अपना चैनल तो पूरा डेड हो जाएगा। इसे मैं सोचा नहीं, चैनल को डेड तो नहीं कराएंगे बल्कि इसमें वीडियोस बना के और अच्छे से ग्रो करेंगे। चलो 7 6 5 4 3 2 1 चलो निकलो 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 निकलो। हाँ चलो, हमें तो पैर नीचे रखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, जैसे एंट्री मारा वैसे सिग्नल खुल गया। इसे तब ना अच्छा भी लगता है। और ये स्पीड प्ले कल स्लो ही डाउन। चलो अभी गुवाहाटी में अभी चला के ना एक अलग ही मज़ा आता है। ब्लॉक मिलते रहते हैं ना बार बार, इसे बहुत मज़ा आता है हमें चला के। क्या ही बोले, ब्लॉक हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्राफिक यहाँ पे भी सिग्नल हमें मिलेगा कि नहीं? सिग्नल नहीं, यहाँ पे सिग्नल मिलेगा मुझे मालूम हो गया। चलो यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, क्योंकि हमें जाना है चांदमाड़ी। यहाँ से ले लिया है लेफ्ट, अब यहाँ से स्ट्रेट जाना है, एकदम कहीं भी नहीं रुकना है। स्ट्रेट जाके आगे से कट मार रहे हैं जो कि राइट, उसके बाद डायरेक्ट ही चांदमाड़ी दिगली पोखरी में जाके हमारा स्टॉप होएगा। वाहन जी पहुँच गया डिगली पोखरी। और बोटिंग करे है क्या? हाँ, मेरे को लगा ये बोटिंग करेगा तो मैं भी जाएगा बोटिंग करेगा, कि एक बार भी किया नहीं है, डर लगता है, अकेला कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारा फूड स्टॉल है, यहीं पे कहीं पे होगा और ढूंढते हैं, उसके बाद खाते भी है और अंदर भी जाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बस अब इधर आए, पहले भी मैं आया लेकिन ये नहीं आया, तो इस बार पहली बार लेके आया और देखते हैं क्या होता है। तो हाँ जी, मैडम का प्लान था स्पाइरल पोटैटो खाने का, बट यू गाइस ऑलरेडी नो हाउ आई एम विद माय प्लान। सबको साइड हटा के सबसे पहले खाया गोला, और गोला खा के हम चले गए डिगली पोखरी घूमने। मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे, तू आस के रहना ओ, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। वादे दिए कितने वादे दिए, तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात। वादे दिए कितने वादे दिए, तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात। कुछ जूली लीव लीव धन तेरे किट धा धा धा, हाँ कुछ जूली धन तेरे किट धा, हाँ कुछ जूली। और फिर आखिर में हमने खाया चिकन रोल, और फिर चिकन रोल खाते ही हमने फिर से खाया नहीं, इस बार पिया। क्या? मैंने लिया नींबू पानी, मैडम ने लिया ऑरेंज जूस, क्योंकि उसका ऑरेंज जूस बाद में वीडियो जब ऑफ कर दिया उस टाइम में उसने बोला कि बड़ा बकवास था। उसके बाद वो खा के ही हम और आगे का प्लान नहीं बताएंगे, आप खुद ही देख लो। ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन क्यों हो, ओ बलमा क्यों, ओ तूने मेरी ढोल बजा दे, ये ऐसे कैसे नाच नचा दे। ओ मेरे तू दुश्मन हो ना दुश्मन कैसे, तू मेरा रोज। वन जी अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं और द टाइम ऑफ इट टाइम इज नाउ 6:10। निकल जाते हैं इधर से, अभी रवाना होने घर के लिए, मैडम को भी छोड़ने जाना है और खुद भी घर जाना है, और थोड़ा काम है घर जाके वो जल्दी खत्म करने के बाद समझते हैं। बाइक का रखा था, बाइक उधर आगे रखा था, और यहाँ पे ना पूरा फुटपाथ बोलो ही मत, भाई ज़्यादा ही फुटपाथ हो गया। ज़्यादा पब्लिक के बीच में ना ब्लॉक करने होता नहीं, अपना जमता नहीं, अपना वो जो नर्वसनेस अभी आ गया है, नर्वसनेस पूरा तो जमता नहीं इधर ब्लॉक करने से। मैंने खाया इन्जॉय किया, अभी जाते घर फिर चल भाग चले कहीं, जहां रात कटे वहीं आ, एक साथ पले हाला।
हाँ जी, टाइम टू एंड इज लॉक। हम घर पहुंच गया, ज्यादा कुछ नहीं किया, खाने गया था, खाया वाया, घुमा फिरा, संडे जैसा मनाया, तो घर पहुंच गया। तो ब्लॉग को एंड कर दे, उससे पहले दिखा देते रूम का, जहाँ भी मैं घर पर गया, एक लड़का घर पहुंचने के बाद क्या क्या होता है उसका रूम, ये सब ऊबर खबर, हेलमेट, स्कार्फ वगैरह सब कुछ चेक कर रख दिया और रिंग लाइट यहाँ पे लगाए के रखा है। अभी ब्लॉग को हम एंड कर देते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करेगा और अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। As always, till then, keep learning, keep listening. Bye-bye. Tu mera rose, come a little close.